भारत निर्वाचन आयोग के वही उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ रामगढ़ पतरातू स्थित पर्यटन विहार के सभागार में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी उपस्थित रहे। बराबर रह गया, केवल 0.03 है, वही कम हुआ, उसका काम नहीं कर हो सकता, बराबर रही। फिर भी अभी वर्तमान में भी उसका बारे में चर्चा हो रही थी, वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं और उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है, उसका बंधन आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उसमें काम करें। सर पहले कैसा था उसका बराबर रह गया, केवल 0.03 है, वही कम हुआ, उसका काम नहीं कर हो सकता, बराबर रही। फिर भी अभी वर्तमान में भी उसके बारे में चर्चा हो रही थी, वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं और उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है, उसका बंधन आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उसमें काम करें। सर पहले तो निर्वाचन आयोग की जो 6 सदस्यीय टीम है चुनाव आयोग की, वो रांची दौरे पर है और निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक है। और झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की जो 6 सदस्यीय टीम है वो पहुंची हुई है, जो आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त हैं नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ रामगढ़ पतरातू स्थित पर्यटन विहार के सभागार में समीक्षा बैठक हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम रांची दौरे पर है और आज जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकला है, क्या अपडेट है इस पे? जो स्थिति है कि लगातार अभी भी बैठक का दौर चल रहा है और उस बैठक में जो 6 सदस्यीय टीम जो भारत निर्वाचन आयोग का दिल्ली से आया है उसमें लगातार बैठक का दौर है, जिसमें मेन उद्देश्य है जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूरा करना है 20 अगस्त के, उस पर फोकस किया जा रहा है। किसी मतदाता आने वाले विधानसभा 2024 में छूट ना पाए उस पर फोकस करना है और कई मुद्दे पर जो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव झारखंड में शांतिपूर्ण चला उस पर भी फोकस किया जा रहा है। इस बैठक में 6 सदस्यीय टीम नीतीश जी और धर्मेंद्र सर लीड कर रहे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी कमिश्नर हैं, वहां वही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और जो नोडल अफसर पुलिस विभाग के हैं होमकर साहब आईजी ऑपरेशन वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि लगातार सभी विषय पर मंथन किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो कैसे शांतिपूर्ण निपटा जाए और कैसे मतदाता सूची में कोई भी मतदान जो कर्मी हैं या जो मतदान करने वाले 18 वर्ष से ऊपर हैं उनका नाम जोड़ा जाए, तो कई मुद्दे पर इस पर चर्चा हो रही है, लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अब देखना होगा किस बैठक के बाद जब मीडिया से जो भारत निर्वाचन आयोग के टीम जो दिल्ली से आए हैं उनका मीडिया के सामने क्या ब्रीफ हो पाता है, क्या निर्देश दिए हैं, तो इसी मुद्दे पर अभी मंथन चल रहा है लगातार पतरातू के रिसोर्ट में। और इस मंथन में जो अभी जो छन कर आया है उसमें पहला जो फोकस है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य और शांतिपूर्ण चुनाव कैसे कराया जाए, और जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद किसी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव में 2 या 3 चरण में चुनाव होने की संभावना है, उसको लेकर मंथन होना है, राय लिया जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जिले के डीसी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एआरओ और जो इलेक्शन से जुड़े लोग हैं कर्मी हैं वो इस बैठक में उपस्थित है। अब तो देखना होगा इस बैठक के उसके बाद क्या निर्देश जो भारत निर्वाचन आयोग की टीम आई है उस बैठक में क्या निर्देश देते हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब शाम को वो प्रेस के सामने ब्रीफ करेंगे और क्या क्या निर्देश मिला है इसकी विस्तृत जानकारी प्रेस के सामने देंगे। जी राकेश जी, संतोष क्या लगता है कि चूंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव के समय भी देखा गया था कि कई लोगों की शिकायतें आई थी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम
भी नहीं जोड़ा गया, जिसे लेकर कई शिकायतें भी निर्वाचन आयोग की तरफ से पहुंची थी। तो उसको लेकर भी क्या लगता है कि जो भी जानकारियां दी गई थी, जो भी शिकायतें पहुंची, सबका निपटारा कर दिया जाएगा विधानसभा चुनाव के पहले? और आज की जो ये बैठक है, ये सिर्फ आज ही भरी या फिर और भी बैठकें होनी है इसकी? देखिए, अभी जो बैठक का दौर है उसमें साफ निर्देश है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो भी मतदाता छूट गए अपना नाम जुड़ा लें, क्योंकि 20 अगस्त का अंतिम प्रकाशन होना है। इस समय लगातार नाम जोड़ने की प्रक्रिया आपके घर घर बीएलओ जा रहे हैं, आप फॉर्म 6 भरकर और जो नाम में सुधार करना है फॉर्म 8 भरकर उस उपलब्ध कराएं, और ऑनलाइन भी जो पोर्टल है निर्वाचन आयोग का उस पर भी आप अप्लाई करके अपने नाम को सुधार। लेकिन इस बैठक का दौर आज ही नहीं, कल भी, आज तो कुछ झारखंड का मौसम खराब होने के कारण आज जो दौरा है निर्वाचन आयोग का कुछ बदलाव हुआ है। कल जो पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, और एक रांची जो लोकसभा क्षेत्र विधानसभा माफ कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, और कल जो दौरा है जमशेदपुर का बैठक, जो रांची के डीसी और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर उसके बाद जमशेदपुर का दौरा होगा, वहाँ जो जमशेदपुर के डीसी और निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद कल ही जो 12 जुलाई को बैठक करने के बाद 12 जुलाई को जमशेदपुर में स्टे करेंगे, और 13 जुलाई को बूथ विजिट कर और 13 जुलाई को शाम को देर रात को निर्वाचन आयोग के जो 6 सदस्यीय टीम आई है रांची झारखंड के दौरे पर, वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जी राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो निर्वाचन आयोग के जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव के पहले मतदाताओं को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, पुनरीक्षण कार्य को लेकर जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है।